गांव ढाढ़रिया चारनान में पत्नी की हत्या कर शव को गड्ढे में दफनाया। साल 2017 मामले में डीजे कोर्ट ने पति को सुनाई उम्र कैद की सजा। चूरू के जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंदर कुमार ने मंगलवार को साल 2017 में पति द्वारा पत्नी की पीट कर हत्या मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी पति को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव उसी के पलंग के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दिया था। पुलिस ने 8 दिन बाद सड़े गले शव को बरामद किया था। हत्या के बाद से आरोपी पति फरार हो गया था। कोर्ट ने मामले में 17 गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह फैसला सुनाया। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि रतनगर थाने में मृतका तीजू देवी के भाई हरिराम मीणा ने सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी बहन तीजू देवी की शादी गांव फोगा के रामू राम के साथ हुई थी। तीजू के पिता मुकना राम ने ढाढ़रिया चारनार में स्थित अपना खेत अपनी बेटी तीजू और उसके पति रामू राम मीणा को बुहाई के लिए दे रखा था। तीजू अपने पति के साथ खेत में रहती थी, जहाँ दोनों खेती का काम करते थे। पिछले 4-5 दिनों से उसकी बहन लापता थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। रतनगर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। बाद में हरिराम अपने साथियों के साथ बहन की तलाश करते हुए उस खेत में पहुंचा, जहां उसको पलंग के नीचे गिल्ली मिट्टी दिखाई दी। शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और वहां खुदाई की तो गड्ढे में दफनाई हुई तीजू देवी की लाश मिली। पुलिस ने आरोपी पति रामू राम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मृतका के सिर और पैर पर गंभीर चोटें थीं और शव करीब 8 दिन पुराना था। आरोपी पति रामू राम ने अपनी पत्नी तीजू देवी की पीट कर हत्या कर दी थी। मामले में पैरवी लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने की। 2017 में पुलिस थाना रतनगर में ढाढ़रिया चारनान के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी बहन तीजू पिछले कई दिनों से लापता है, जो अपने पति के साथ खेत में रहा करती थी। दोनों खेत में अकेले थे। ससुर ने खेत बाने के लिए दोनों जमाई और पत्नी और बेटी को दे रखा था। जब वो कई दिनों से नहीं मिली तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर उसको जगह जगह तलाश किया। फिर 5-6 दिन बाद में परिवादी जो है वो 2-3 आदमियों को लेकर के उस खेत में गया, जहाँ उसकी बहन तीजू और उसका पति रामू राम रहा करते थे। उस खेत में एक पलंग के नीचे कुछ गिल्ली मिट्टी दिखाई दी, जिस पर उनको शक हुआ। उन्होंने पुलिस थाना में सूचना दी। पुलिस मौके पर आई, उस खड्डे को खुदाया, जिस खड्डे में से तीजू देवी की लाश निकली। तत्पश्चात उसके भाई ने रामू राम के खिलाफ, जो कि सरदार सर तहसील का रहने वाला है, के विरुद्ध 302 और 201 का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। साक्ष्य सुनवाई के बाद आज चूरू के जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार जी ने मुलजिम रामू राम को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में दोषी मानकर आजीवन कारावास व 50,000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 201 भारतीय दंड संहिता में दोषी मानकर 7 साल की सजा, 50,000 रुपये जुर्माने के अर्थदंड की सजा दी। शव कितने दिन पुराना था? शव करीब 7-8 दिन पुराना था, सड़ गल चुका था। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में ये आया कि मृतका की मृत्यु से पूर्व उसके सर व पैरों में चोटें मारी गई है, उसे बुरी तरह से पीटा गया है और फिर उसको दफनाया गया है। क्योंकि पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही पर और फावड़ा कस्से आदि बरामद किए थे।